आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप अपना स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं या फिर स्टेटमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले समझनी होगी। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र मोबाइल एप्लीकेशन से आप अगर स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोगों का ये जो अकाउंट ही नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर नहीं है, तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले तो उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, किस तरीके से अकाउंट वहाँ पे बनाया जाता है, किस तरीके से अकाउंट बनेगा, क्या क्या चीज़ें लगती है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM से भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, क्योंकि यही सबसे आसान है ATM वाला। बाकी ना तो इंटरनेट बैंकिंग है हमारे पास और ना ही ब्रांच के थ्रू हम रजिस्टर कर पाएंगे, तो ATM है तो आप इसके थ्रू रजिस्टर करवा लीजिए। अब मैं आपको डायरेक्टली प्रोसेस बताता हूँ कि आप स्टेटमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट के अंदर या फिर आप जब अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। बैंकिंग है, फंड ट्रांसफर है, बिल पे है, सर्विस रिक्वेस्ट है, तो ये वाला ऑप्शन है तेरा मेन सबसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे इस तरीके का एक आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेंगे सर्विस के अंदर, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर है ट्रांजैक्शन सर्च स्टेटमेंट एंड ऑफ अकाउंट रिक्वेस्ट और भी बहुत सारे हैं। तो हमारा जो मेन ऑप्शन है वो यही है, दूसरे नंबर पर हमें जिसका यूज़ करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिक्वेस्ट के ऊपर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, आपकी विंडो खुलेगी, अगली विंडो या फिर अगला पेज खुलेगा और आपको इस तरीके से जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देनी है, मतलब आपको कब और कौन से डेट को चाहिए और किस डेट तक चाहिए, मतलब 6 महीने का चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर इस डेट से यहाँ यहाँ तक, ठीक है, 9 to 9 हमने तो ये सिलेक्ट कर रखा था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल का, तो आपके ईमेल के ऊपर आएगा। अब सारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यही है कि हमारा ईमेल पर, मतलब हमने ईमेल कभी दी ही नहीं है बैंक के, तो हमारा ईमेल के ऊपर आएगा भी कैसे, ठीक है। बैंक क्या करता है कि लगभग 99% लोगों का ईमेल एड्रेस खुद ही अपना ही डाल देता है और इस वजह से हमें कोई भी मेल नहीं आती। लगभग सभी का यही दिक्कत है कि उनको मेल नहीं आएगी क्योंकि उनका जो ईमेल एड्रेस है वो बैंक के साथ कनेक्ट ही नहीं है, अटैच ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा, बैंक में आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर करवाना होगा और उसके बाद ही आपको इसे निकालना होगा। बाकी आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको आ जाता है, कभी आपने कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते समय दे दिया हो, तो वो बात अलग है कि आपको मिल भी सकता है, आ भी सकता है। बट काफ़ी सारे लोगों का ये भी दिक्कत है कि ईमेल तो आया ही नहीं, लगभग 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना भी हो गया, लेकिन कभी ईमेल ही आया नहीं क्योंकि वहाँ पे ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लगती है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।